इश्क और मोहब्बत। अगर हमारी दुनिया में किसी भी चीज पे सबसे ज्यादा कहावतें बनी हैं, तो वो प्यार पे बनी। अब चाहे राह चलता कोई आदमी हो या बहुत बड़ा फिलोसोफर, क्योंकि हमारी जो आज की कहानी है वो भी ऐसे दो लोगों के बारे में, नैना और युवराज। एक तरफ है नैना जो बहुत ही स्टूडियस, बहुत ही सिंपल सी लड़की, और दूसरी तरफ युवराज जो ना सिर्फ हमारी कहानी का हीरो है बल्कि विलन भी है। आइए आपको दिखा, वेलकम टू बिंदास, ये है आशिकी। रूम नंबर 21। शिखा शर्मा के आगे कौन सा रूम नंबर लिखा है? अरे मेरा देखना, भी देखना रूम नंबर। ओह आई एम सो सॉरी। तुम ठीक हो? प्रेशर। अबे आज तो ये फच्चड़ झोली में आके गिर रहे हैं, लकी डे है। फच्चड़ नहीं भाई, बकरे खुद ही कटने आ गए। अनलकी डे है, प्रेशर ही है ना। पैसा ले, इनका चेहरा देख। चेहरे की एक एक लाइन चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं फच्चड़ हूं। तूने कभी अपने कॉलेज में किसी को उठा के देखा? कभी नहीं। तो फिर सवाल वो पूछ जो जरूरी हो, समझा? वैसे अब नाम क्या है जी? नैना। इसके क्या हुआ? फैमिली से प्यार व्यार नहीं है क्या? पूरा नाम क्या है? पूरा नैना कबीर। ओहो, संत कबीर जी, वाह वाह। जो पता कौन है वो? अरे भाई हिंदी मेरा सब्सिडियरी सब्जेक्ट है ना, बस सिर्फ पास होने की रखी है। क्यों? तो कोई बात नहीं, नैना बताए, इसको तो पता ही होगा ना। बताओ, टेल टेल। मिस नैना, मिस ही हो ना, कहीं मिसेज हो के हमसे मिस तो नहीं हो गई हो? कबीर जी, दोहे तो आपने बहुत सुनाए होंगे, एक काम करो, आज हम सबको एक बढ़िया सा गाना सुना दो। हाँ क्यों? क्यों भाई, बताओ जरा कौन सा गाना इस पे परफेक्ट सूट करेगा? भाई वो रहा, वो क्या नाम है, हम होंगे कामयाब। तो ठीक है, शुरू हो जाए। गाओ 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 ना गाना 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 गाना। सुनाई नहीं दे रहा यार, कुछ बोल के। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। वाह, एक दिन वो देख, बकरा नंबर वन। ओह, अरे आप रो क्यों रही है? युवराज सिंघानिया। क्या बात है, कॉलेज के पहले ही दिन सारे फच्चड़ मुझे नाम से जानते हैं, बस स्टार बन गया हूं मैं, स्टार। ऑटोग्राफ तू, पेन सी और दे। अगर अपने आप को इतना ही बड़ा हीरो समझते हो ना तुम, तो किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हारे साइज का हो। एंड आई एम श्योर
इस कॉलेज में ऐसे बहुत से माचो बेवकूफ टाइप्स मिल जाएंगे तुम्हें, अपनी ये होशियारी उन पे जमाना। ए! तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या हो रहा है यहाँ? विराज, तुमने फिर से नए स्टूडेंट्स को तंग करना शुरू कर दिया। तुम्हें पहले भी इस बात की वार्निंग दी जाती। स्पीच मत दो सर। कंप्लेंट मिली आपको कोई? नहीं ना? कबीर, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सत्संग का पाठ हमें भी सुनाती जाओ। एक्सक्यूज मी, हमें क्लास के लिए देर हो रही है। तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हारी क्लास तो आज यहाँ शुरू होगी। बात तो हमारी कल ही पूरी हो जाती अगर प्रोफेसर बीच में ना आता। भाई छोड़ना यार, ये थोड़े जानते तुझे, जाने दे यार, कॉलेज में नहीं आई है। जानती नहीं है, लेकिन जानती तो है ना कि मैं इसका सीनियर हूँ। और कॉलेज का रूल है कि बच्चा हमेशा सीनियर को सैल्यूट करते हैं। चल सैल्यूट मार, सैल्यूट मार, सैल्यूट मार। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो मैडम, हमें भी साथ ले चलो यार। लेडीज टॉयलेट में अकेले जाना मना है। रूल नहीं जानती क्या? मेल कंपेनियन का साथ में होना जरूरी है भाई। रूल है कि नहीं? हाँ भाई, भाई रूल है। कॉलेज प्रोस्पेक्टस में लिखा है, पढ़ा नहीं तुम लोगों ने? अच्छा भाई एक काम करते हैं यार, मैं चला जाता हूँ इनके साथ, तो इन्हें थोड़ा पूरा सपोर्ट भी मिल जाएगा। क्यों क्यों क्या हो गया? मौन व्रत रखा है क्या? चुप क्यों हो? हाँ आवाज नहीं आ रही मुझे, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। अब तक चुप थी लेकिन अब नहीं रहूंगी। अरे भाई मैं तो डर गया यार, ये तो झांसी की रानी निकली। शट अप ऑल ऑफ यू, मैं अब तक वो सब करती आई हूं जो तुमने कहा, जस्ट सो ये तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन अब तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ओहो, तो अब तुम हमें बताओगी कि लिमिट कहां क्रॉस होती है? तेरे इतने पास आया तो लिमिट में हूं या नहीं? इतने पास आता हूं तो होती है, अब इतने पास आता हूं तो होती है।
वो क्या है ना, कभी तेरी आदत सी पड़ गई है यार, जब तक तुझे तंग ना करूं तो मुझे खाना हजम नहीं होता, जब तक तेरा डेली डोज नहीं मिलता ना तो तबीयत खराब होने लगती है जी, घबराने से। आदत भी बदली जा सकती है और हाजमा भी। चार बॉडीगार्ड के साथ घूमते हो तो अपने आप को बहुत मर्द समझते हो ना तुम। ए! क्या क्या हुआ, तुम मुझे डराओगे? अपनी ये झूठी हिम्मत और मर्दांगी का नाटक ना किसी और को दिखाना। अगर असली मर्द होते ना तो यू इतनी घटिया हरकतें नहीं करते तुम। सो नाउ युवराज सिंघानिया, ग्रो अप, बी अ मैन एंड गेट लॉस्ट। पूरा जो देखन मैं चला, पूरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये है असली संत कबीर युवराज। रस्सी चल गई लेकिन पल नहीं गया, अभी भी जान बाकी है। भाई भाई जाने देना यार, बाद में देख लेंगे। मर्दानगी क्या होती है इसे मैं बताता हूं। मर गए भाई यार, सब कुछ खत्म हो गया। वो मर जाएगी यार और फिर कभी हमें किसी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, हमारा करियर तो खत्म बिल्कुल। अरे यार चल तू यहां से, चल 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 भाई चल यार। ज्यादा हो गया युवराज, यार मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था। ये तो कह रहे भाई तुझे केस हो जाएगा, अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो। पापा, छोड़ूंगा नहीं उसको, पुलिस में कंप्लेन कराऊंगा। कौन है वो लड़का, कॉलेज का स्टूडेंट है या कोई गुंडा मवाली? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अरे ये कॉलेज है या गुंडों का अड्डा? पापा प्लीज प्लीज पापा ऐसा कुछ मत कीजिए। जयंती डॉक्टर ने क्या कहा था, अगर जरा से भी देर हो जाती तो तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगा। पापा पापा मैं जानती हूँ सिचुएशन सीरियस हो सकती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मैं इस बात को अब बढ़ाना नहीं चाहती। डरते हम किसी से, गलती उसने की है, उसको डरना चाहिए। आपकी बेटी हूँ पापा, डरना तो आपने सिखाया ही नहीं ना। पापा आप उस लड़की को नहीं जानते, ये सब माँ वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, और अगर हम पुलिस रिपोर्ट करेंगे ना तो उसे और अटेंशन मिलेगा और वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर कल फिर उसने ऐसा कुछ किया तो? अगर हम रिपोर्ट फाइल करेंगे ना तो वो जरूर करेगा। पापा प्लीज मैं कॉलेज स्टडी करने के लिए जाना चाहती हूँ,
मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई को कोई भी नुकसान हो। देखो बेटी, तुम ये बोल सकते हो पर एक बाप उसे माफ नहीं कर सकता। जब से तुम्हारी ये हालत देखकर मेरी क्या हालत हो गई थी। I love you पापा, पर आपने ही सिखाया है ना, माफ करो और भूल जाओ। पापा, युवराज भी एक स्टूडेंट है और अगर हम ये पुलिस रिपोर्ट करेंगे ना तो उसका करियर, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। अगर मैं कंप्लेन नहीं करूंगी तो उसे वो टेंशन भी नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। उसे इग्नोर करना ही बेटर है पापा, यही उसकी सजा होगी। चाहती तो मेरी कंप्लेन भी कर सकती। ये मैंने क्या कर दिया? ओह गॉड, नैना सैंडविच और नैना दो, एक वेजिटेबल सैंडविच और एक कॉफी प्लीज। नैना हाँ, अभी मैं दे देती हूँ, तुम बाद में मुझे दे देना। नहीं इट्स ओके, अरे मैं देती हूँ, मैं हेल्प कर दूँ। देख आज तू दे देगी लेकिन कल को अगर मैं अकेली हुई तो क्या करूंगी। I have to help myself now. इतना बड़ा एक्सीडेंट भी इसकी हिम्मत नहीं तोड़ पाया, मैं कौन होता? मैं ऐसा कर सकता हूँ इसके साथ? भाई भाई युवराज भाई, क्या हुआ? सॉरी की उम्मीद उन लोगों से की जाती है जो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरी लाइफ में तो क्या, खुद की लाइफ में भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, इसलिए डोंट बॉदर। You know what guys, ragging is a very serious offense. लेकिन अगर इससे जुड़े हुए लोग चाहें तो इसे बदल सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं। This is not right. अब नैना जैसे लोगों के लिए ये मानना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि युवराज जैसा कोई लड़का कभी बदल सकता है। But she was wrong. क्योंकि कभी कभी जिंदगी में हमारी मुलाकात खुद से होती है। इनफैक्ट वो जो टीनेज से अडल्टहुड का जो टाइम आता है ना, उसके बीच में एक बहुत ही सेंसिटिव टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट हमें ये रियलाइज कराते हैं कि व्हाट इज आवर ट्रू सेल्फ। वो हमें हमारी मुलाकात हमारी सच्चाइयों से करवाते हैं। नाउ
नैना के जो अच्छे इंटेंशंस थे वो उसे युवराज को समझाना बहुत मुश्किल था, या इट वाज नॉट इवन पॉसिबल, बट समहाउ शी वाज ऑलवेज एट इट, शी जस्ट वांटेड टू ट्राई. वेल शी वाजंट रॉन्ग. ये लीजिए मैम. रहने दो मैम, क्रेडिट अलाउड है. नहीं मैम, रहने दीजिए. वाले वीडियोस के लेक्चर नैना को जरूर दे देना. 2 दिन की रिकॉर्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट. उसे रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं है. ओके, ये लो. क्लास खत्म होती है उसे गेट के बाहर लेके आना. मैंने रिक्शे वाले को वहां खड़े रहने के आधे घंटे के पैसे दे दिए. ओके बाय. यहां समझते हो तुम अपने आप को रॉबिनहुड हो या कोई सोशल वर्कर? मैं कोई चैरिटी केस नजर आती हूँ क्या तुम्हें? What do you think of yourself? मैंने गलती की है और उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ बस. पैसों से खरीद कर गलतियां नहीं सुधारी जाती. और कौन सी गलती की बात कर रहे हो तुम? जो मेरे साथ हुई वो, या जो इतने सालों से इतने स्टूडेंट्स के साथ करते आ रहे हो वो? शायद मेरा ये प्लास्टर रोज नजर आता है तुम इसलिए गिल्टी फील कर रहे हो. लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज में युवराज सिंघानिया, जिनको तुमने चोट पहुंचाई है. उनकी चोटें दिखती नहीं है ये और बात है. क्या हुआ, चुप क्यों हो? क्या उनके लिए भी बाहर रिक्शे वाले को पैसा दोगे या कैंटीन वाले को? बोलो, ऐसा सबके साथ करोगे तुम? हाँ नहीं, पता है क्यों? क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें कि उन सबकी नजरों को फेस कर सको. सो प्लीज जस्ट स्टॉप, अपनी इस फेक दुनिया से बाहर निकलो और मुझे शांति से जीने दो. की आंखों में देखा है नैना, ट्रस्ट में वो बदल चुका है. वो हर दिन इस ताक में रहता है कि कब उससे माफी मांग सके. कहा था ना नैना, वो बदल चुका है.
क्या हुआ नैना, क्या सोच रही हो? समझ में नहीं आ रहा। ये सब युवराज ने इन लड़कों को हॉस्टल में बहुत बुरी तरह से रैक किया, बस वो ही बदला निकाल दे। वो लेकिन युवराज इतना चुप क्यों है? Enough guys, एक और बार ऐसा किया ना तो मैं सीधा कंप्लेन कर दूंगी। Now get out, निकलो यहां से। युवराज, हमारी टेबल पे जगह खाली है। थैंक्स। युवराज, अगर आज के बाद कोई तुम्हें तंग करे ना तो नैना के पास आ जा। वो क्या है ना, नैना को बहुत एक्सपीरियंस है। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुमने ही तो कहा था ना कि मैंने इतने लोग, यू नो, एंड देन आई रियलाइज्ड यू आर राइट। अगर कुछ ठीक करना ही है तो सबके लिए करना है। कैसा लगता है जब लोग मजाक उड़ाते हैं, वो लाइन से धक्का दे देना, क्लास में तंग करना, बेवजह टांग खींचना। आई नीड टू फील ऑल दिस नैना। पर वो लोग तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं। अपनी भड़ास निकाल रहे थे, जो जरूरी भी है। क्या तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो? नहीं, अपने लिए, लेकिन तुम्हारे कारण जरूर कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुम मुझे कल डांटती नहीं तो मुझे कभी रियलाइज ही नहीं होता। नैना, आई नो, ये भी मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूं, पर इस बार जेन्युइनली अपने दिल से बोल रहा हूं, आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। फ्रेंड्स,
क्या हुआ? तुम ऐसे चले क्यों आए? पता नहीं नैना, रोज तुम्हें देखता हूँ इस तरह स्ट्रगल करते हुए तो मुझे वही दिन याद आ जाता है। अपने आप से और हेट करने लगा हूं मैं, है ना? और अपने आप को हेट मत करो युवराज, क्योंकि मैं तुम्हें हेट नहीं करती। इनफैक्ट मैं तो तुमसे हाथ ठीक होने के बाद सबसे पहली चीज मैंने यही लिखी थी। लेकिन मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, और तुम्हारे पेरेंट्स वो तो मुझे कभी भी, उनसे मैं बात करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम ये कैसे भूल गई कि तुम्हें उसने हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था? समझ में नहीं आता कि तुम जैसे पढ़ी लिखी लड़की उसकी झूठी बातों में कैसे आ गई। क्या पता वो प्यार करने का नाटक कर रहा हो? ऐसा क्यों करेगा वो माँ? पुलिस केस से बचने के लिए, और किसके लिए? अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए। नैना, युवराज जैसे लड़के कभी नहीं बदलते। वो पहले तुमसे प्यार करने का नाटक करेगा और फिर वो तुम्हें चोट पहुंचाएगा। माँ प्लीज, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, वो पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है माँ। उसकी आंखों में सच्चाई है। और तुम्हारी आंखों पर पट्टी। एक बात ध्यान से सुनो, युवराज को मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर कभी नहीं बनने दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। हमारे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, जैसा काम मैंने किया उसके बाद उनको पूरा हक है मेरे ऊपर शक करने का। लेकिन युवराज, नहीं नहीं, तुम ही बताओ, जो सब मैंने तुम्हारे साथ किया, सबके साथ किया, मेरी रेपुटेशन के बाद कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में क्यों देंगे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वही तो नैना, मैं हमेशा से जानता था, हमेशा सोचता था कि मुझे अपनी गलतियों का हिसाब से चुकाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे चुकाना पड़ेगा, हमारे प्यार के लिए चुकाना पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचा था। I don't care, युवराज, कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। है ना? You trust me? मैं विश्वास करती हूँ ना? मेरा प्यार कोई टीनेज लव नहीं है जो आज है और कल खत्म। आई लव यू फॉर एवर। अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, और उस लाइफ के लिए अगर ये कुछ मोमेंट सेक्रीफाइस भी करने पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पाने के लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। मैं अपने पेरेंट्स से फिर बात करूंगी। जो सच्चाई मुझे इन आंखों में दिखाई दे रही है, आई एम श्योर उन्हें भी दिखाई देगी। आई लव यू नैना। आई लव यू टू।
आप समझने की कोशिश तो करो। नमस्ते, मैं सिंघानिया ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर धनराज सिंघानिया और नैना की कॉलेज का ट्रस्टी भी हूँ। आइए ना। आपका अचानक यहाँ आना, कहीं मेरी बेटी से कोई गलती तो नहीं हुई? युवराज, इसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। एक्चुअली गलती मेरी है, बिन माँ का बेटा है, अपने बिजनेस से हटकर कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया मैंने, सही गलत सिखाने का मौका ही नहीं मिला। एक वक्त तो सोचा कि मैं अपने बेटे को खो चुका हूं, लेकिन जो मैं नहीं कर पाया वो आपकी बेटी ने कर दिखाया। जब मुझे पता चला कि इसने क्या किया है तो सच मानिए मेरा हाथ उठ गया था, लेकिन जब इसकी सजा के बारे में मुझे पता लगा तो मुझे रियलाइज हुआ कि इससे अच्छे पनिशमेंट तो हो ही नहीं सकती। सिंघानिया साहब, मैं उस हादसे को बिल्कुल भूल चुका हूँ, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज पहली बार लड़का सुधर रहा है, वो भी इस लड़की के प्यार, इसमें मैं आप लोगों से आपकी बेटी का हाथ मांगने आया अपने इस नालायक बेटे के लिए। मैं जानता हूं कि इस लड़के में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिससे कि आप अपनी बेटी दे सके। आप खुद सोचिए, जब आपकी समझदार बेटी ने इसे चुना है तो इसमें कुछ तो होगा। मेरा एक लौता बेटा है, अगर मेरे घर में आपकी बेटी बहू बनकर आ जाए तो ये घर कंप्लीट हो जाएगा। शायद इस घर को नैना जैसी बहू की ही जरूरत है। मैं जानता हूं कि माफी मांगने से नहीं मिलती, कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि आप लोग मुझे सचमुच में माफ कर दें। और तब तक मैं और नैना शादी की बात तक नहीं करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। गलती से इसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क़ के जुनून रुके नहीं है बावरी। सिंघानिया साहब, दरअसल हमारी बेटी को अभी पढ़ना है लिखना है, इसलिए थोड़ा सा वक्त। तो इसका मतलब मैं हाँ समझू? डोंट वरी, मुझे भी एक वर्किंग बहू ही चाहिए, अब तो मेरे बिजनेस को कौन संभालेगा? अगर इस नालायक के हाथ में सौंप दिया तो ये तो मेरा बचा कुचा बिजनेस भी डुबो देगा। युवराज और नैना आज भी कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं, और युवराज आज भी पार्ट टाइम जैनिटर का काम करता है कॉलेज में। यू नो, प्यार की एक और बहुत बहुत ही अच्छी कहावत है, वो कहते हैं कि प्यार में किसी भी चीज की हद नहीं होती। लेकिन नैना और युवराज की जो कहानी है, इस कहानी ने इस कहावत को भी झुठला दिया, क्योंकि इनकी कहानी को देखकर ऐसा लगता है कि समटाइम्स यू डोंट फॉल इन लव, यू राइज इन लव। वेल, मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी गाइस। टिल देन, Do not forget to fall in love. It's beautiful. Bindaas ye hai Ash. I'll see you next week. Well, hi guys. I hope ki aapko hamari kahaniyan pasand aa rahi hai. But still, hamari kahaniyon ke baare mein aisa kuch hai jo aap humse share karna chahte hain. You can tweet us at Bindaas TV hashtag ye hai Ash. Bye.
सबूत तेरी लागी, कैसे खुद को समझाऊं, कैसी भांग बूटी तेरी चढ़ी, किसको ये मैं सुनाऊं। तेरे दर पे खड़ा हूं मैं सर जो झुका के, मुझको तू दर्शन देना, हाथ रख सर पे मेरे, वो कल जो अदर थे उन डर से मुक्त कर देना। सीने में आग ऐसी लागी, कैसे इसको मैं बुझाऊं, ऐसे ना हालात मेरी जागी, बोले तेरे नाम पे नशे कर जाऊं। इस जालिम दुनिया में चूर हो रहा हूं, भगती में तेरी मशहूर हो रहा हूं, कैसा है जादू तेरी रोशनी में, बोले भगती का तेरे लत खोर हो रहा हूं। देव कह रहा मैं सुन लो शिव शंकर, दर पे तेरे मैं खड़ा, बार कर दो हम पर, पंच जो केदार है वो तेरे दरबार है, दर्शन कर तेरा बोले ओत पीड़ा पर है। रुद्र देव कह रहा मैं सुन लो शिव शंकर, दर पे तेरे मैं खड़ा, बार कर दो हम पर, पंच जो केदार है वो तेरे दरबार है, दर्शन कर तेरा बोले ओत पीड़ा पर है। तेरे दर पे खड़ा हूँ मैं सर जो झुका के, मुझको तू दर्शन देना, हाथ रख सर पे मेरे, वो कल जो अदर थे उन डर से मुक्त कर देना। तेरे दर पे खड़ा हूँ मैं सर जो झुका के, मुझको तू दर्शन देना, हाथ रख सर पे मेरे, वो कल जो अदर थे उन डर से मुक्त कर देना।